भैया राम राम, राम आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं राहुल। युवेरा की जो लाइव प्रस्तुति है छत्रसाल चौक से, आज चित्रगुप्त महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और उस शोभा यात्रा के स्वागत के लाने जगह जगह स्टाल लगाए गए हैं। जैसी की शुरुआत यह छत्रसाल चौक से हम आपका दिखा रहे हैं। आगे महलन पे आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा शहर के विधायक स्वागत कर रहे हैं। इतने अधिवक्ता संघ की तरफ से जो स्वागत करो जा रहे हैं, बगल में आप देख सकते हो भगवान परशुराम सेवा समिति को स्वागत है। अब हम इनसे जरूर जानबे कि उस स्वागत को मकसद क्या है, उस संदेश का है। संगे संगे जो भी जरूरी है कि समाज में कुछ संदेश का जात कि स्वागत करो जात तो काय के लाने करो जात, आखिर का मकसद है। भैया हमारे संगे आज तो अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष हैं राकेश दीक्षित जी हैं, तो दीक्षित जी से जरूर जानबे कि दीक्षित जी आज जो स्वागत सत्कार करो जा रहे हो का मकसद है, का संदेश है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बुंदेली चुगली के द्वारा जो भी ये मैसेज जाता है समाज में, आपके द्वारा जो भी अच्छा काम किया जा रहा है पत्रकारिता के रूप में, मैं आपको कोटि कोटि आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिला अधिवक्ता संघ के सभी हमारे पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सभी लोग, उपाध्यक्ष जी, सभी लोग उपस्थित हैं। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से भगवान चित्रगुप्त जी के जयंती के अवसर पर सभी समाज को, देशवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और चित्रगुप्त जी तो वैसे भी लेखा चुका के जो है भगवान मालिक कहा जाता है उनको, इसलिए मैं समाज में एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भगवान चित्रगुप्त जी ने जिस तरीके से लेखा जोखा अपना किया है, इसी तरीके से किसी भी कार्य को किया जाए उसमें लेखा जोखा बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि कहीं भी अगर एक रुपए की भी लिखा पड़ी हो तो लिखा पड़ी होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। जिला अधिवक्ता संघ सभी समाज को और जयंती भगवान चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, बहुत बहुत बधाई। कहा है लेखा जोखा साफ हो चाहिए, संदेश बिल्कुल साफ होना चाहिए, जैसी भगवान चित्रगुप्त जी महाराज ने रखा है ऐसी हमारे कोषाध्यक्ष महोदय पटेरिया जी हैं, वो भी लेखा जोखा बारूम का हमारा सही और स्वच्छ रखते हैं। हम भी समाज से चाहते हैं कि जो भी रखें बिल्कुल पारदर्शी रखें, इसमें किसी प्रकार की कोई लुकावट और छिपावट नहीं होना चाहिए, जो है सच है तो सच है। तो भैया चित्रगुप्त जयंती के अवसर पे एक बहुत सुंदर संदेश निकल के आओ है, वो हकीकत है, हकीकत है कि साफ सुथरा काम बहुत चाहिए। भैया लेखा पढ़ी लेखा जोखा जिसको चित्रगुप्त महाराज ने करो है, दुनिया में एक नजीर पेश करी कि साफ सफाई के संगे। तो भैया जो बहुत बड़ा संदेश भी है आगे तो अधिवक्ता संघ की तरफ से है कि भैया लेखा जोखा साफ बहुत चाहिए, अब हो चाहे जैसे हो भैया जो हम नहीं बता सके लेकिन कह वो जरूर है अधिवक्ता संघ को लेखा जोखा साफ बहुत चाहिए। कहा जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऐसे आपकी तारीफ भी भैया मैं देखो कि आप बहुत बढ़िया, और महाराज चित्रगुप्त जी से ही हम लोग सब प्रेरणा लेते हैं कि जो है उनसे जो है प्रेरणा मिलती है कि साफ सुथरा लेखा जोखा होना चाहिए। अदालत में भी साफ सुथरा के मतलब ऐसा है पत्रकार साहब, अदालत में जो काम होता है वो उसका लेखा जोखा और जो भी कार्य होता है वो साफ सुथरा ही होता है। और जो आपने अभी प्रश्न किया था मेरे अध्यक्ष महोदय से कि आप किस उद्देश्य से स्वागत करना चाहते हैं, तो उसका मेरा तात्पर्य ये है कि जो आज के समय में जातिगत जो विभाजन हो रहा है और जो विभाजन के नेता बन रहे हैं, जो विभाजन कर रहे हैं, उससे ये संदेश जाना चाहिए कि किसी भी समाज का, किसी भी देवता का कोई भी जुलूस हो उसमें सभी समाज को एकजुट होके कार्य करना चाहिए, उनकी सराहना करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए और अभिनंदन करना चाहिए। तो जो मैं राजेंद्र सक्सेना एडवोकेट जिला अधिवक्ता संघ छतरपुर, सबसे पहले तो मैं कायस्थ समाज की ओर से जिला अधिवक्ता संघ को कोट कोट बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के प्रकटोत्सव में उन्होंने कायस्थ समाज का जो स्वागत सत्कार किया है उसके लिए कोट कोट बधाई, और मैं अपने सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। तो भैया आप संदेश है देखो कि सबका मिलजुल के सभी समाज को सम्मान करो चाहिए, संदेश जो है परशुराम सेवा समिति गुरु विनोद मिश्रा भैया जी के आगे गुरु लगो हो तो फिर बात करवे तो कोनो मतलब है, गुरु मतलब गुरु
का है गुरु संदेश आज भाई साहब? आज का संदेश है, क्योंकि ब्राह्मण सभा सभी समाजों को लेकर चलता है, आदि काल से चला है। आज का संदेश ये है, भगवान चित्रगुप्त जी की आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, हम लोग उन्हीं का सही स्वागत दे रहे हैं और सब समाज को लेके जा रहा है। ये मैसेज एक समाज में देंगे कि हम सभी सनातनी, सभी हिंदू वर्ग की सभी जातियां, सभी धर्म एक हैं और सबका मिलजुल कर सहयोग करें, हाथ से हाथ बटाएं। जी कांग्रेस तो वैसे ही सपोर्ट कर रहे, सभी जातन खल लेके, सभी धर्मन खल लेके चलत है। आप संक्षिप्त में थोड़ी बता दो का यही कहलाने जो स्वागत हो जाए। देखिए, आपसी प्रेम भाईचारा यही हमारे जीवन की पूंजी है, भारत की यही परंपरा है और उसका निर्वहन हम सब लोग कर रहे हैं। और ये हमारे भगवान आराध्य चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा है, सभी हमारे भाई यहाँ हैं, ब्राह्मण समाज यहाँ है और सभी वर्ग के लोगों ने स्वागत किया है। आगे भी भगवान सब पर कृपा करे, सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि सब प्रेम और भाईचारे से रहे। भैया बस भाईचारा और प्रेम को संदेश दो जा रहे हैं सब जगह से, देखो जा सका थे। अब जो शोभा यात्रा हम आपका दिखवावे के लाने लाइव प्रस्तुति ऐसे लेके आए भैया रो कि हम आपका सब कछु दिखवा सके, बड़े आराम से दिखवा सके, बिना विघ्न के बिना बाधन के हम दिखवा सके। अब जो शोभा यात्रा हम आपका इतने से दिखवा भी देखो कितनी विशाल का है कछु संदेश आज को। पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर वासियों ना, सभी दर्शकों ना, भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई दे रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, हे प्रभु चित्रगुप्त जी महाराज, अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखियो। ये छतरपुर नगर में समस्त कायस्थ समाज के द्वारा यह भगवान का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है, हर वर्ष की बात ही उसी की यह शोभा यात्रा आज नगर में निकल रही है। भगवान के स्वरूप जो नगर में निकल रहे हैं, इनके साथ में हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, चारों ओर अमन चैन शांति रहे, खुशहाली सबकी बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। भैया हम आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से जैसे कि दिखवा बोल। जय चित्रगुप्त महाराज की जय। आज भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव हुआ था, ब्रह्मा जी के पुत्र। आज पूरे छतरपुर शहर में शोभा यात्रा निकल रही है, इसका केवल शहर में नहीं विश्व में शांति रहे, अमन चैन रहे शहर में, और सभी भारतवासी एक साथ रहे, सद्भावना के साथ रहे और हिंदू राष्ट्र भी बने, लेकिन सबको लेके चले। जय हिंदू राष्ट्र, जय चित्रगुप्त भगवान की जय। भैया चित्रगुप्त महाराज के लाने जो जो जसो की कहो जा रहे हो, जसो की मानो जात है और ब्रह्मा जी की, जो भी आप जानत हो कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची है तो कछु सोच के, सब कछु सोच के और जो देखो जा सका जो स्वरूप हम आपका जो झांकी के दिखा रहे, बाद में विस्तृत चर्चा बता भी हम आपका ब्रह्मा जी को, लेख कहा है ब्रह्मा जी को, का लिखो है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई है, का कही है, जो हम सब वृत्तांत बता दी। अब हाल हम आपका दिखवा रहे हैं कि लाइव प्रस्तुति के माध्यम से जो शोभा यात्रा आप देख सकत हो कि चित्रगुप्त महाराज की शोभा यात्रा कितनी भव्य, कितनी दिव्य निकाली जा रही है और उस शोभा यात्रा के स्वागत के लाने जगह जगह पे स्टाल लगाए गए हैं, जगह जगह पे स्वागत करो जा रहे है। और इस तरफ हमें देखो जा सकत है कि निःशुल्क प्याऊ लगो है भैया, होते भी समिति के द्वारा स्वागत करो जा रहे हैं, भाजपा की तरफ से भी स्वागत करो जा रहे हैं, अधिवक्ता संघ की तरफ से स्वागत करो जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी स्वागत करो जा रहे हैं, लगभग स्वागत सभी जगह करो जा रहे हैं, सभी जनन को करो जा रहे हैं, जितने जने इस शोभा यात्रा में जन्मोत्सव में शामिल भए हैं। अब घोड़ा बग्घी बैंड बाजा डीजे सभी कछु इंतजाम करो गो है, धूमधाम से जो यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा को मकसद है सिर्फ और सिर्फ कि भैया लेखा जोखा साफ रखो चाहिए, जैसो कि चित्रगुप्त महाराज जी को सिद्धांत और नियम साफ सुथरा काम बहुत चाहिए, कहूँ कोनो गड़बड़ घोटाला ना हो, बिल्कुल शुद्ध साफ काम हो, जो चित्रगुप्त महाराज जी को संदेश हतो वही खा अपने जीवन में सब जनन खा उतारो चाहिए, वो संदेश लो चाहिए और उखा चरितार्थ करो चाहिए कि भैया सब कछु जो कछु भी लेखा जोखा है कहूँ को भी हो, कोनो भी विभाग हो, लेकिन उमें साफ सुथरा काम भव चाहिए। साफ सुथरा काम को मतलब कि कोनो भी गड़बड़ ना हो, कोनो गलत ना हो, जो कछु भी हो सब ईमानदारी के संगे हुए। अब हम आपका इतने से लेके चल रहे हैं, जो
जो भैया हरि ओम गौ सेवा समिति की तरफ से स्वागत करो जा रहे हैं, जो देखो जा सका भैया अबे हमें जो चल रहे अबे हाँ अबे जो चल रही के बात है ही के बात मनीष भैया कहा है कि संदेश देखो चाहो आज बहुत पुनीत पावन अवसर है। आज संत श्री आसाराम जी बापू जी की समिति के द्वारा आज चित्रगुप्त महाराज जी का जो प्रकाश दिवस है, सबको हम शहरवासियों को बधाई देते हैं और यही संदेश है सब लोग मिलके भाईचारा से रहें और बड़े प्रेम से सब एक दूसरे का सहयोग करें। भैया मनीष अग्रवाल जाने जाते ऐसे कामन के लाने, सेवा के लाने, समाज सेवा के लाने, अब जो देखो जा सका पारस दुबे भैया डब्बू महाराज बाकी उनकी पूरी टीम और भैया जो हर बार हर जगह जहाँ भी देखो जो है जहाँ भी आप देख लो हरि ओम गौ सेवा केंद्र की सेवा आपका मिल है और हर जगह चाहे वो गंजन की सेवा हो, चाहे मानवता की सेवा हो, चाहे निर्धन की सेवा हो, चाहे कोनो भी प्रकार की सेवा कोरोना काल से लगा के ये पूरी टीम ने भैया बहुत ज़्यादा सहयोग करो। नीरज भैया भी खड़े, नीरज गुलेरी भैया सब जने जे लगे हैं, साथी जी लगे भैया देखो जब टीम पूरी एक के लाने जानी जाते हैं काम के लाने, सेवा के लाने, मानवता के लाने और हम आज यही से जो दिखवा रहे हैं कि जी में से भैया जो सब एक एक करके हम आपका दिखवाऊ भी जाओ यात्रा कोई भव्य दिव्य दर्शन भी आपका हम करवाऊ जाओ अभी तैसे आप देखते कर दो आगे इतने पे भैया हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमें मिले आप हाँ भैया जी को इंतजार है तो देखो हम भी तके हते वो इंतजार खत्म हो गो वह घड़ी आ चुकी। दादा का संदेश दो सभी जन ना बहुत राम राम। देखो त्रिवेदी जी के माध्यम से आपसे हमेशा हर जुलूस में भेंट हो रही तो हम त्रिवेदी जी के बहुत आभारी हैं कि वे सब जनन से छतरपुर के जितने लोग हैं उनसे मिलवा देती बहाने आज चित्रगुप्त महाराज जी को जुलूस से निकारो जा रहा हूँ। चित्रगुप्त हमारा लेखा जोखा रखत तो सब जनन से जो कह रहे हैं कि अपने अपने कर्म सही रखो, चित्रगुप्त जी के रूप में आपके कर्मन को लेखा जोखा करवे वालों एक को है तो अपन सामाजिक जीवन में रहे तो जनता के बीच में सिद्ध कर वो अलग बात है लेकिन अपने कर्म अच्छे हों, लोगन के बीच में अपन जाके सेवा काम करें, लोगन के हित को काम करें जो हमारा आपसे कह वो है। और चित्रगुप्त जी के लेखा जोखा में अपनों जो खाता है वो अच्छो करें, जो भैया अपनो खाता अच्छो करें। पुराने दिग्गज कांग्रेसी हरि प्रकाश हरि दद्दा भैया देखो जा सकत बहुत बढ़िया सुंदर तस्वीर है दो जनन की। ओ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वागत कर रहे बैंड बाजा पालकी डीजे सब कछु लगभग लगभग ई में हर चीज उपस्थित करी गई है और जो देखो भी जा सकत भैया जुलूस चारों तरफ से जुलूस की यात्रा की शोभा यात्रा की भव्य शोभा यात्रा की झलकी हम आपका दिखवा रहे हैं। लगभग लगभग ई में सभी जने शामिल भाई सभी जात के सभी वर्ण के सब लोग ही यात्रा में शामिल हैं और ये यात्रा को मकसद उद्देश्य सिर्फ एक के अपने जीवन के अपने चरित्र खा अपने जीवन खा जैसो कि चित्रगुप्त महाराज जी ने करो लिखो है साफ सुथरा रखो चाहिए और अपने कर्मन की गति अपनो सब कछु साफ शुद्ध भाव चाहिए जो उनको संदेश है चित्रगुप्त महाराज को। आज चित्रगुप्त महाराज को प्रकाटोत्सव मनाओ जा रहे है जन्मोत्सव मनाओ जा रहा हूँ कि धूम है जा पूरे शहर में चारों तरफ आप देख सकते हो कि स्वागत करो जा रहे है चारों तरफ से जहाँ जहाँ भी शोभा यात्रा निकल रही है उतई जो सबको स्वागत करो जा रहे है और शोभा यात्रा भी बहुत भव्य बहुत दिव्य निकाली गई है चारों तरफ की एक जगह से नहीं चारों तरफ से स्वागत सत्कार करो जा रहे है। अब भैया सुरेश भाई साहब है करता धरता और बहुत मेहनत करत वे हर काम में कोनो ऐसा काम होते अगर तो वे बहुत ज़्यादा मेहनत करत तो बहुत लगन के साथ और अब हम थोड़ी विचार भी भाई साहब के जानवों को कोशिश कर भी कि थोड़ी समय मिले तो हम आप लोगन खा उनके विचार जरूर सुनवा भी के भाई साहब को क्या वो कहा। भाई साहब आज के ही पावन पुनीत शुभ दिन में क्या संदेश दो समस्त नगरवासियों को देशवासियों को चित्रगुप्त प्रकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां सभी के ऊपर उनकी कृपा सदैव बरसती रहे आप सबका समाज में सब एक दूसरे को परस्पर सहयोग मिलता रहे यही शुभकामनाओं के साथ पुनः
चतुर्थ देव चित्रगुप्त भगवान जी के प्रकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं बुंदेली चुगली को, राजेंद्र भाई आपको, कि आप हर समय ऐसे रचनात्मक कार्यों के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये भगवान चित्रगुप्त जी की कृपा भी आपके परिवार पर, पूरे नगर के परिवारों पर सदैव बनी रहे। तो भैया हमें भी इसने आशीर्वाद मिला थे सब जनन को, बुंदेली चुगली का इसने आशीर्वाद सभी जनन को मिला थे, कहे थे कि सब काम प्रमुखता से हम करत हैं भैया, प्रयास करत हैं कि कोनो भी कार्यक्रम छूट ना जाए। और शहर की हस्ती हमारे कैप्टन और बहुत बड़ी हस्ती है, डॉक्टर साहब खड़े हैं, प्रियंका जी खड़ी हैं, और डॉक्टर साहब के बारे में जितना कहा है हम तो वो थोड़ी हमारे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करवे के लाने, कि उनने अपनी जीवन में कितने लोगन का जीवन दान दो, कितने बच्चन का दो, कहा संदेश है आपकी तरफ। हमारा ये सब खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे और भगवान चित्रगुप्त की सब पे कृपा बनी रहे, सबको स्वस्थ और लंबा जीवन मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। प्रियंका जी का संदेश है आज का के आज चित्रगुप्त जयंती के समारोह में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें सभी लोग हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए हैं और अभी ये जगह जगह पे इसकी मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं, इनको पूजा अर्चना कर रहे हैं, सब लोग स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तो भैया सभी जगह स्वागत वंदन अभिनंदन करो जा रहे हैं चित्रगुप्त महाराज की शोभा यात्रा को, तो वही हम आप खड़े से लगातार दिखावे को प्रयास कर रहे हैं, तो सब जगह के चल चित्र हम आपका दिखवा सके, कहाँ का चल रहे है डांस करो जा रहे हो, डॉक्टर एम पी एल हरे जी है भैया देखो जा सकता है, एक भगवान के प्रकार को सुख की खुशी वो खुशी का कैसे मनाने हैं, कैसे आत्मसात करने हैं, डॉक्टर एम पी एल खरे देखो जा सकते हैं, डॉक्टर एम पी एल खरे साहब भी जानते चल रहे हैं, बधाई दे रहे हो, संदेश दे रहे हैं कि भैया अपने जीवन में चित्रगुप्त महाराज को लेखा जोखा उतारो चाहिए, चित्रगुप्त महाराज को जो सिद्धांत हो तो सच्चाई को ईमानदारी को कि कैसे हमें जीवन यापन करो चाहिए, हमें कैसे जीवन जियो चाहिए, हमें परोपकार करो चाहिए, हमें धर्म करो चाहिए, हमें अन्याय अत्याचार से दूर रहो चाहिए, बहुत संदेश ऐसे उनके चित्रगुप्त महाराज जी के। वो आज उनके प्रकाशोत्सव पे जन्मोत्सव पे जब विशाल शोभा यात्रा छतरपुर में चित्रगुप्त मंदिर परिसर से शुरुआत करी गई और छत्रसाल महल चौक होद भाई छत्रसाल चौक से होद भाई बाबूराम ये माफ करियो भैया चौबे से गड्ढा से होद भाई जा ऐसे पे ये आई है। आज भाई साहब का संदेश भाई जो नाम आज योगा चित्रगुप्त महाराज भगवान का प्रकटोत्सव दिवस है, उसके लिए मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा और उत्तराधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ जो है यहाँ पर कायस्थ समाज का स्वागत करने के लिए और भगवान का तिलक करने के लिए खड़ा है और हम यही कहेंगे कि सब समाज एक होकर के मिल करके रहें, एकता में जो है बहुत शक्ति है भैया। आज चित्रगुप्त जी की जयंती है तो वो उनका हम लोग आग्रह वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन उनका स्वागत कर रहा है। तो भैया स्वागत करो जा रहे हैं, शंकर भैया हमारे देखो जा सकत, शंकर भैया हमारे दिल से लगत हर काम में, चाहे कोनो काम हो लेकिन भैया प्रमुखता से सेवा करवे के लाने, शंकर सोनी जी हरि अग्रवाल जी जब पार्टी पूरी लगी रात ऐसे कामन के लाने जो लोग जाने जाते हैं, अब हम आप खेत से दिखवावे को प्रयास कर रहे हैं कि यात्रा हम आपका आगे से दिखवा सके और यात्रा को एक एक पल को अपडेट एक एक पल को हाल हम आप तक पहुंचा सके जैसे देखो जा सके कि जहाँ लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपका दिखवा रहे हैं शहर को हाल कि शोभा यात्रा को स्वागत कहाँ कहाँ करो जा रहे हैं, वो को या शोभा यात्रा को स्वागत कर रहे हैं और भगवान चित्रगुप्त महाराज के जन्मोत्सव में आज शहर भर में एक अलग तूफान एक अलग खुशी है, वो खुशी का जाहिर करत भय एक जीवन की गोली निकली है।
युवक जितने हैं, नव युवक जितने हैं, उनके संगे बुजुर्ग हैं, जवान है, बच्चा है, सब जने कंधा से कंधा मिला के चल रही शोभा यात्रा में भगवान के प्रकाशोत्सव में। ओ ओई की दिव्य झलक, भव्य झलक बुंदेली चुगली लाइव के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचावे को प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास जो है कि भगवान चित्रगुप्त के आदर्श, चित्रगुप्त महाराज के जो जीवन के आदर्श थे, उन्हें क्या लिखो है, कैसे जीवन जियो चाहिए, कैसे अपने जीवन का चरितार्थ करो चाहिए। हम दो मिनट के अंदर आपकी बाइक जा रहे हैं, दो मिनट। अब इतने से हम आपका जो पूर्व जो यही से देखवा रहे भैया 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 देखा जा सकते चले के चारों तरफ, तो जो यही के लाने जो करो जाके देखो, जो जो दृश्य देखो जा सके, बहुत मनोहारी दृश्य है। हमारी भारत की महिला शक्ति, नारी शक्ति को लोहा पूरी दुनिया मानत, और पूरी दुनिया इस चीज का जानत है कि भारत की महिला शक्ति, नारी शक्ति कितनी प्रबल है, कितनी ताकतवर है, कितनी सक्षम है। हर मामले में, हर क्षेत्र में भारतीय नारी अपनो लोहा मनवाओ से हर जगह जा, हर जगह उपयोगिता अपनी साबित करे थे, अपनी योग्यता साबित करे थे कि अभी हर क्षेत्र में हम काम करते हैं। तो हम आपको वही दिखवा रहे कि हर जगह यही माहौल, यही खुशी, ऐसे ही नजारा देखने का मिला था महिला शक्ति भारत की एक अलग। भैया जैसे कि अपने थे नौ नवरात्रि में पूजन अर्चन करो जाते ये चित्रगुप्त प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है आज। विगत वर्षों से यह आयोजन हो रहा है, कोरोना के चलते कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जो इस बार उत्साह पूर्वक सभी कायस्थ समाज के लोहड़ी, चंद्रा, राजनगर, ईशानगर, बिजावर, आस पास के खजुराहो के सभी लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे कामन के लाने भैया। महिला शक्ति, नारी शक्ति भारत की खास तौर से जानी जाते, कोनो कार्यक्रम हो, कोनो आयोजन हो, लेकिन हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति बढ़ चढ़ के उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते, ये दृश्य देखे जा सके, कितने सुंदर दृश्य है, जो कितने मनोहारी दृश्य है। और संगे संगे धक्का भी मारा जा रहा आदमी भैया, लेकिन अब धक्का मुक्ति सब चलत है, वो इकेला में चलत है के भीड़ ज़्यादा होते भैया। और भगवान को प्रकाश उत्सव है तो जितने धक्का लगे वे भी अच्छे हैं। ब्रह्मा जी जो कुछ जा सकते कि ब्रह्मा जी के सुपुत्र चित्रगुप्त महाराज जी आज उनको प्रकाश उत्सव है, आज उनको जन्मोत्सव मनाओ जा रहा है, उन्हें की जब भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वो वही दिव्य शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा की झलकी बुंदेली चुगली आप लोगों तक पहुंचावे को प्रयास लाइव के माध्यम से कर रहे हैं कि हम लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आपका जो दृश्य दिखवा सकें, जो सब दिखवा सकें कि जी में आप नहीं आ पाए अगर इतने तो भैया घर कैसे हो। बुंदेली चुगली है ना चिंता काय बात, बुंदेली चुगली यही के लाने हैं भैया के घर बैठ के जो नजारा देख लो, घर बैठ के जो दृश्य देखो वो मजा लो। आज भगवान महाराज चित्रगुप्त दिनेश शर्मा भैया एक अद्भुत मूर्तिकार, अद्भुत कलाकार, ऐसे कलाकार के जो सिर्फ प्राण नहीं डर पाओ, जान भर नहीं डर, तो बाकी लगत है कि चित्रगुप्त महाराज की मूर्ति हो या हनुमान जी को हो या राम दरबार हो, कोनो भी मूर्ति हो भैया, शिल्पकार हो तो ऐसो हो। दिनेश शर्मा छतरपुर के एक लौते ऐसे मूर्तिकार है कि शायद दूसरों कोनो कलाकार अब आस पास कहूँ उनके टक्कर को नहीं है, जैसे कि दिनेश शर्मा छतरपुर के मूर्तिकार हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही माने भाई कलाकार जिन्हें बोलो जाते हैं, मजे भाई कलाकार, माने भाई कलाकार दिनेश शर्मा मूर्ति कलाकार। अब हम आपका जो ऐसे ये लाइव प्रस्तुति जितनी दिखवा चुके भैया, जब लाइव प्रस्तुति हती छत्रसाल चौक से, छत्रसाल चौक भैया बस थोड़ी देर में हम बिल्कुल दीपन भैया स्वागत, देखो भैया दीपन भैया रे लगे हैं सब जन स्वागत करो जा रहे हैं शोभा यात्रा को जगह जगह पे। अब बुंदेली चुगली की जब लाइव प्रस्तुति भैया हमें तो समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक के लाने भैया रो राम राम।